दोस्तों आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन समाप्त हो चुका है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 20 खिलाड़ियों को खरीदकर अपने स्क्वाड को मजबूत कर लिया है और अब सीएसके फ्रेंचाइजी आईपीएल 2025 की तैयारियां करने में लगी है। और दोस्तों इस पूरी वीडियो में चेन्नई की बैटिंग और बॉलिंग को लेकर फुल डिटेल में बात करने वाले, आखिर सीएसके फ्रेंचाइजी किन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है, तो भैया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी कट्टर सीएसके वाले और चाहते हैं कि चेन्नई की टीम आईपीएल 2025 भी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों चेन्नई की टीम ने शानदार खिलाड़ियों को खरीदा है और आईपीएल 2025 में सीएसके एक बार फिर अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आएगी, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर हो गेंदबाजी। चेन्नई का हर एक डिपार्टमेंट बेहद ही स्ट्रॉन्ग है और चेन्नई आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर बात की जाए दोस्तों ओपनिंग जोड़ी की, तो सीएसके फ्रेंचाइजी ने आप सभी जानते हैं डीवॉन कोनवे को वापस अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ा है। इसके अलावा रचिन रविन भी सीएसके फ्रेंचाइजी में मौजूद है और रॉकेट राजा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनमें से कोई एक ओपन करता हुआ नजर आ सकता है और ये दोनों ही ओपनर काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अगर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डीवॉन कोनवे पारी का आगाज करते हैं, तो रचिन रविन आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। और आपके हिसाब से किसे ओपन करना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई के मिडिल ऑर्डर की, तो दोस्तों पिछले सीजन के मुकाबले इस बार सीएसके फ्रेंचाइजी ने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की कोशिश की है और इसमें कोच स्टीफन फ्लेमिंग को सफलता भी हासिल हुई है, जहां राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर सीएसके के लिए मिडिल ऑर्डर में शानदार रिजल्ट दे सकते हैं। और ज्यादातर संभावना है कि दोस्तों सीएसके के लिए नंबर 4 पर आपको राहुल त्रिपाठी ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और नंबर 4 के लिए हमेशा चेन्नई भारतीय खिलाड़ियों को ही आजमाती रही है, जैसे कि अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे। और अब दोस्तों आईपीएल 2025 में राहुल त्रिपाठी का बल्ला आग बोलता हुआ नजर आएगा। हालांकि राहुल त्रिपाठी के लिए आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन चेन्नई में जब अजिंक्य रहाणे और शुभम दुबे तबाही मचा सकते हैं, तो राहुल त्रिपाठी का आपको डेफिनेटली वर्जन 2.0 देखने को मिलेगा, जिनकी बल्लेबाजी का इंतजार हम सबको काफी बेसब्री से होगा। और जो खिलाड़ी हमेशा दोस्तों फ्लॉप रहता है, उसे चेन्नई चलाना अच्छी तरह से जानती है, जबकि नंबर 5 पर अपने दुबे भाई साहब का जलवा भी देखने को मिलेगा और शुभम दुबे की बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है, जिनकी प्रतिभा को सीएसके फ्रेंचाइजी अच्छी तरह से जानती है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई के कोहिनूर कहे जाने वाले एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा एक बार फिर आपको अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ियों में चेन्नई के पास अच्छे विकल्प मौजूद है, जहां विजय शंकर और सैम करन भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों दीपक हुड्डा को भी चेन्नई अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। और अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई की तूफानी गेंदबाजी की, तो स्पिन गेंदबाजी तो चेन्नई वालों की हमेशा से बेहतर रहती है और चेन्नई ऑक्शन में दोस्तों सबसे पहले स्पिन गेंदबाजों को ही टारगेट करती है और वैसा ही हुआ। आखिरकार रविचंद्रन अश्विन चेन्नई को मिल ही गए और अब जडेजा अश्विन चेपॉक की पिच पर बवंडर मचाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा नूर अहमद भी दोस्तों कमाल के स्पिन गेंदबाज है। इसके अलावा दोस्तों तेज गेंदबाजी भी काफी बेहतर है, जहां मुकेश चौधरी और खलील अहमद भारतीय पेसर है, जबकि नाथन इलाइस और मतीसा पाथिराना भी काफी शानदार गेंदबाज है। तो दोस्तों हमने आपको बेहतरीन खिलाड़ियों को लेकर जानकारी दी है और इन्हीं खिलाड़ियों के साथ ही चेन्नई अपनी मजबूत प्लेइंग 11 बनाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से आईपीएल 2025 के लिए कैसी होगी चेन्नई सुपर किंग्स की विस्फोटक प्लेइंग 11, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट मिलती रहे।